अयोध्या काशी को लेकर भाजपा बड़े एजेंडे पर काम कर रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ की विकास योजनाओं के समय पर पूरा होने का ऐलान किया था और अब सबकी निगाहें काशी की तरफ जा चुकी हैं, जहां 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जिस वक्त तमाम विरोधी दल भाजपा के खिलाफ तूफानी अभियान चला रहे हैं, ठीक उसी वक्त पार्टी अयोध्या काशी में विकास की गंगा बहाकर तमाम विरोधियों को नई चुनौती देने की तैयारी में है। इस बार राम नवमी पर अयोध्या और काशी में अलग रौनक दिखने वाली है। अयोध्या में इस बार रामनवमी पर अलग ही रौनक नजर आएगी। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से राम जन्मोत्सव मनाने का फैसला लिया गया है। यह महोत्सव 21 मार्च से 30 मार्च तक राम की पैरी समेत अलग अलग जगहों पर मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये जन्मोत्सव रामलला के अस्थायी मंदिर में आखिरी बार होगा, क्योंकि अगली बार जब रामनवमी मनेगी तब तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। तीर्थ क्षेत्र ने कुछ नए ढंग से ये 9 दिनों का आनंद और उत्सव मनाने का विचार किया। नए ढंग से इसलिए कि पिछले 2 नवरात्र तो कोरोना में चले गए, उसके पहले यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। एक रामकोट की परिक्रमा होती थी। राम जन्मोत्सव के दिन अयोध्या में यूं तो अलग अलग मंदिरों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर ट्रस्ट ऐसे उत्सव का रूप दे रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले इसकी शुरुआत हो रही है, तो विराजमान होने के बाद 2024 से हर साल ये महोत्सव इसी तरह आयोजित होगा, जो अयोध्या की पहचान से जुड़ जाएगा। आयोजन उद्देश्य यह है कि समाज का सभी वर्ग, वह एक छोटे बच्चे से लेकर एक अधेड़ अवस्था वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को अयोध्या में आने पर राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण से एक बहुआयामी संरचना बनाई गई है, जिसमें योग से लेकर खेल के विभिन्न विद्याओं को लेकर, श्री रामचरित मानस के पारायण से लेकर, श्री राम नाम संकीर्तन से लेकर, और फिर विभिन्न विद्वानों के दिग्गजों के प्रवचन से लेकर, और अंततो गत्वा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक बड़ी विस्तृत रूपरेखा है। 2023 का श्री राम जन्मोत्सव कुछ इस तरह होगा कि इसमें सरयू में नौकायान प्रतियोगिता दिखेगी, तो तलवारबाजी का हुनर भी दिखाई पड़ेगा। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं के बीच इसमें खास तौर पर अयोध्या के 84 कोस की परिधि के लोगों को ही खास तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा, जबकि 2024 में जब इस खेल महोत्सव का विस्तार होगा तब इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों के क्षेत्र का भी विस्तार हो चुका होगा। ऐसे खेलकूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है और इसी क्षेत्र के अवध क्षेत्र के नए उभरते कथाव्यास कवि की दौड़, मैराथन, तैराकी। श्री राम जन्मोत्सव के जरिए अयोध्या और श्री राम के प्रति लोगों के जुड़ाव को मजबूत करना है और रामलला के जन्मोत्सव को अयोध्या के सबसे बड़े उत्सव के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए इसकी शुरुआत तो पहला पड़ाव है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसमें विस्तार होता रहेगा और अयोध्या की छवि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। कुछ इसी तरह की परिकल्पना और संरचना को आकार दिया जा रहा है। राम मंदिर बन गया, बनने जा रहा, भगवान गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं, एक चरण है। दूसरा चरण पूरे विश्व की संस्कृति को राममय करना है। ये कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसी के लिए प्रयास कर रहा है। अयोध्या जिसो जाने ही दे जय जनाई आवई जाने ही तुम्हें हो जाई, जो राम जी को जान जाएगा वो राम जी का हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यही प्रयास कर रहा है कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति राम जी का होकर जाए। जब से यूपी में योगी सरकार आई है, अयोध्या से लेकर काशी तक की चर्चा आए दिन हो रही है। हाल ही में सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे, जहां करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। अब पीएम मोदी 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी जहां 5 घंटे काशी में गुजारेंगे, वहीं 29 योजनाओं की सौगात भी देंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।